शोभना, अगर मैं बात करता हूं, जो आपने बात कही ना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वो इलाका है, ये वो जिला है जहां पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही अच्छा प्रदर्शन करती रही है। खासतौर पर 2007 की बात की जाए, 12 की बात की जाए या 17 की बात की जाए, तो 17 में सुपड़ा साफ हुआ है सभी दलों का, सिर्फ बीजेपी की 909 सीटें आई हैं। यहाँ पर हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं एतमादपुर से विधानसभा से, वो भी है वीरेन जी। अगर हम आगरा या फिर इस इलाके की बात करें, तो यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी कभी बहुत ज्यादा लड़ाई में दिखी नहीं, इस बार क्या है, उम्मीद है कि लड़ाई में है? इस बार समाजवादी पार्टी एतमापुर विधानसभा में ही नहीं, पूरे आगरा में 9 की 9 सीटों में समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। लेकिन यहाँ पर तो जो है, इससे पहले का जो इतिहास रहा है, 2007 हो, 12 हो, समाजवादी पार्टी इक्का दुक्का सीटों के अलावा तो कहीं जीत कर ही नहीं पाई, और 17 में तो पूरा सुपड़ा साफ था, 9 की 9 सीटें भाजपा के पास। 2017 और ये 2022 है, 2017 से 22 के बीच में जो पूरे हालात यहाँ पे हुए, जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, उसके लिए इंतजार कर रही थी कि मतदान का फायदा मिलेगा, गठबंधन का फायदा 100% मिलेगा फायदा जी। बीजेपी से जानते हैं आप, बीजेपी को प्रतिनिधित्व कर रही है, बताइए कि 2017 में तो 9 की 9 सीटें जीती थी, 22 में क्या होगा, क्या जो है मायावती जो अपना जो कोर वोट एक बार फिर से हासिल करेंगी, क्या वो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, क्या जो जाट आंदोलन, ये जो किसान आंदोलन हुआ था, या तमाम मुद्दे वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे? समाजवादी पार्टी को मुंगेरी लाल के असीन सपने देखने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो इनके मंसूबे, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो गुंडों की ललकार आएगी, दंगाइयों की बहार आएगी, और जहाँ हिंदू कम है उनकी चीख पुकार आएगी। लेकिन समझ लीजिए ये नहीं होने वाला, क्योंकि जहां ये सब होगा वहां बाबा के बिल्डोजर की आवाज आएगी, ये आप निश्चित मानिएगा। शासन की बात कर रहे हैं, जो जो दंगाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक आपको और दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर बसपा के भी एक जो है समर्थक मौजूद है, लेकिन उनके साथ में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, उसकी क्या वजह है, कोई नजर नहीं आता? हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, सब लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता तो मतलब लड़ाई में है पूरी फुल रूप से, हम सरकार बिल्कुल बिल्कुल। अंकित गुप्ता, बड़ी बात की जा रही है। ABP News आपको रखे आगे।